अभी हम मौजूद हैं मोर मोरादी के कदीमी 16वीं सदी के कब्रिस्तान के अंदर। यहाँ सैकड़ों कब्रें हैं जो इस तर्ज के आर्ट से भरे हुए हैं जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि ये हमारा तारीखी विरसा है जिसको हालात और वक्त और सरकार की अदम तवज्जो की वजह से तबाही का सामना है। इसके साथ यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बैरिया टाउन की, जो कीर्तर नेशनल पार्क के अंदर, और ये कीर्तर नेशनल पार्क के अंदर ही ये कब्रिस्तान आता है, तो वहां के कंस्ट्रक्शन की वजह यहाँ की आसपास जमीनों पे वो अब काबज हो रहा है और होने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ और उसकी वजह से मोर मुरादी के इस कदीमी कब्रिस्तान को संगीन खतरात लाक है। एक तो सरकार की अदम तवज्जो की वजह से ये जमीन पे धंसते हुए जा रहे हैं और ये हमारे आसारे कदीमा का हालत है। होना तो ये चाहिए था कि इसको आसारे कदीमा वाले आके इसको प्रोटेक्ट करते, इसको बनाते, मगर वो अपनी जगह पे अब ये जमीनें चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन या बिल्डर माफिया के हवाले की जा रही हैं। बैरिया कीर्तर नेशनल पार्क को तबाह कर रहा है और उसके साथ हमारी तारीख जिस पे हम चीख रहे हैं कि हमारी तारीख, हमारा कल्चर, हमारे रस्म और रिवाज को इस बिल्डर माफिया, इस कंक्रीट के जंगल में सबसे ज्यादा खतरा इन चीजों को है। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और हमारी बका इन कब्रों से वाबस्ता है, इन निशानात से वाबस्ता है कि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम इस कदर रिच तहजीब का हम मालिक हैं और हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी नाअहली, रियासत की अदम तवज्जही और गलत पॉलिसियों की वजह से हम वो उसको खो रहे हैं। खुदा रहा इनको प्रोटेक्ट करें, इनके लिए आवाज़ उठाएं, कीर्तन नेशनल पार्क के लिए आवाज़ उठाएं, मोर मुरादी के चौकंडी कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं, आएं खुद देखें कि सिंध के साथ, इस खित्ते के साथ क्या जुल्म हो रहा है।